फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हुज नेम वाज सर सैयद अहमद खान। टुडे वी विल डिस्कस हिज पॉलिटिकल फिलोसफी, हिज पॉलिटिकल थॉट। माय नेम इज मोहम्मद नुमान तारिक। आई वेलकम यू ऑल इन लॉन्चर एकेडमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर सैयद अहमद खान प्रोमिनेंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर थे जो कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए, 1807 में, और 1898 में इनकी वफ़ात हुई। और इनका जो पॉलिटिकल थॉट है वो इनके बिलीफ पे लाई करता है, जो कि बिलीफ था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मुसलमानों को इसकी अहमियत बताना ताकि वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुसलमान अभी जितना पीछे हैं इनको रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त के साथ ये कॉप अप कर सके। और कहते थे कि हमारी बैकवर्डनेस की जो रूट कॉज है वो लैक ऑफ एजुकेशन है, और ट्रेडिशनलिज्म और सुपरस्टिशन जो प्रिवेल कर रही है, दैट इज़ द रीज़न विच इज स्टॉपिंग अस टू फ्रॉम अचीविंग आवर पोटेंशियल। फिर ये कहते थे कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, दीनी तालीम ज़रूरी है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन गेन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आज के हालात में। और इसी वजह से इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस भी कायम किया और एजुकेशन को प्रमोट किया। ये रिलीजियस टॉलरेंस के भी बहुत ज़्यादा हामी थे और कहते थे कि कोएग्जिस्टेंस जो है वो तभी पॉसिबल है जब आप पीसफुल रहेंगे। तो इन्होंने मुसलमानों को भी यही सजेस्ट किया। फिर इन्होंने कहा कि मुसलमानों को अडेप्ट करना चाहिए, जो न्यू सर्कमस्टांसिस हैं उनके साथ अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे उन लोगों के जो के मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको नज़रअंदाज करते थे या उसके खिलाफ बोलते थे। ये कहते थे कि मॉडर्निटी को एम्ब्रेस करना इज़ द ओनली की टू सक्सेस एज ऑफ नाउ। फिर ये जो है जिस इनके इस थॉट के बारे में मेरे अपने लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ये यूनाइटेड इंडिया के हामी थे और इन्होंने मुसलमान अलग रियासत के कायम को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया, कभी प्रमोट नहीं किया, कभी इसके बारे में बात नहीं की। ये स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया के हामी थे, लेकिन ये कहते थे कि मुसलमानों को पोलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, इसको मज़ीद प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए, और मुस्लिम जो सोसाइटी है उसका इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस भी ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है, अच्छा करने की ज़रूरत है। और ये कहते थे कि ये तभी पॉसिबल है जब मुसलमान अपनी इंटरनल डिवीजन्स को ख़त्म करेंगे और कॉमन मकसद के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। और सर सैयद का जो पॉलिटिकल थॉट है, जो बिलीव है, इसके अंदर हमें रीज़न और रैशनैलिटी नज़र आती है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक इंक्वायरी नज़र आती है। तो इनकी ये जो अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी और ये ऑर्थोडॉक्सी के सख्त खिलाफ थे। सर सैयद की जो एजुकेशनल रिफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा थी और उसके बारे में हम गाहे बगाहे पढ़ते रहते हैं, और इनकी जो अपनी अप्रोच थी वो इनकी लेगेसी में हमें नज़र आती है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब कायम हुई तो ये इनकी वफ़ात के 22 साल बाद 22 ईयर्स बाद कायम हुई, जिससे मॉडर्न एजुकेशन मिली और मुसलमानों ने सोशली रिफॉर्म किया, रेफॉर्मेशन की तरफ आए। तो सर सैयद का इस लिहाज से मुसलमानों की ओवरऑल ग्रोथ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको कतन किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप सर सैयद की पॉलिटिकल फिलॉसफी और थॉट के बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो एंड चेक द लॉन्चर अकेडमी ब्लॉग। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ नॉलेज देयर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।